हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कि इंसान में ऐसा कौन सा अवगुण है जो उसके 100 गुणों पर भी भारी पड़ता है। उसके अंदर हजार अच्छाइयां हैं, फिर भी एक अवगुण उस इंसान को बड़ी विपत्ति में डाल सकता है, बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आज उस अवगुण के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उस अवगुण को कैसे दूर करें उसके बारे में भी बताऊंगा। वह अवगुण है मन का काबू में नहीं रहना, मन का चंचल रहना, मन का किसी भी काम में मन नहीं लगना, मन का इधर उधर भटकना, वो है अवगुण। इंसान के हजार अच्छाई हैं, लेकिन अगर उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है, उसका मन एकाग्रचित नहीं रहता है, तो वो किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों, उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी, हर वक्त उसे असफलता ही मिलेगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? आपको कोई कार्य दिया है करने के लिए और आपका मन कहीं बाहर जा रहा है काम करने के लिए, आपका मन वहां नहीं लग रहा है उस काम में, तो वो काम कैसे सफल होगा? दोस्तों, अपने मन को काबू में करें, अपने मन को एकाग्रचित होकर करें, तो उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं, सर आप मेरे मन को काबू में कैसे करें, मन को कैसे एकाग्रचित करें? सबसे पहले तो यह पता करें कि आपका मन किस वजह से डिस्टर्ब होता है, आप किस कारण से आप उस कार्य में मन नहीं लगा पा रहे हो, यह पता करें। सबसे पहले उस वजह को ढूंढें जिस वजह से आपके उस काम में मन नहीं लग रहा है। क्या कारण है? कोई पारिवारिक कारण है, कोई आर्थिक कारण है, या कोई शारीरिक कारण है? किस कारण से आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता है, उस कारण को दूर करें। किस कारण से आपका मन भटक रहा है, उस कारण को दूर करें। जैसे आपको कोई पारिवारिक समस्या है तो उस पारिवारिक समस्या को दूर करने की कोशिश करें। जैसे कोई आपके शारीरिक समस्या है कि बार बार शारीरिक समस्या के कारण आपका मन डिस्टर्ब होता है, उस शारीरिक समस्या को दूर करने की कोशिश करें। या कोई आर्थिक कारण है या कोई पैसे की तंगी का कारण है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। जब आपका मन फ्री होगा, जब आप किसी समस्या से नहीं घिरे होंगे, तभी आपका मन काबू में होगा और तभी आपका मन किसी कार्य करने में लगेगा। अपने मन को एकाग्रचित होकर किसी कार्य में करें तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें कि आपको कितने भी आपके अंदर अच्छे गुण क्यों नहीं हो, आपका मन आपके अंदर काबू में नहीं है, आपका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा है, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर, आप उस कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को काबू में करने की कोशिश करें और उस कारण को ढूंढें कि आपका आखिर किस कारण से आपका मन डिस्टर्ब होता है, उस कारण को दूर करने की कोशिश करें, तभी आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।